फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया, मस्त रहिए और एंटरटेनमेंट का मज़ा लेते रहिए। भाई कहते हैं ना, हर चैनल जब आगे बढ़ रहा है तो फिर हमारा जी टीवी कैसे पीछे रह सकता है, वो भी आगे ही बढ़ेगा। पूरी कोशिश कर रहा है साम दान दंड भेद। कहते हैं ना कि आप पूरी कोशिश कीजिए, कौन सा तीर कहाँ लग जाए पता थोड़ी है। तो ऐसे में आजकल तो टीआरपी की मारा मारी बड़े से बड़े चैनल पर भी हो रही है। कंपटीशन इतना ज़्यादा हो रहा है, बस स्टारों के मज़े आ जाते हैं। हाई हाई पैकेज में उन्हें हायर कर लेते हैं, भले ही वो चाहे फिर टीआरपी निकालें या ना निकालें। लेकिन चलिए, उन्होंने वो स्टार भी तो अपनी मेहनत से ही बने हैं ना, उन्होंने कुछ तो किया होगा तभी तो आज वो अच्छे पैकेज ले रहे हैं। तो ऐसे में जी टीवी पे अभी ही कुछ टाइम पहले, यानी कि एक हफ्ता पहले ही शो लॉन्च हुए हैं। 3 शो, सारेगामापा, जागृति और आपका वसुधा। ऐसे में उनकी टीआरपी भी अच्छी निकल कर आई है, जिस हिसाब से सोची थी उसके हिसाब से ठीक आई है। लेकिन अगर बात करें, फिर से जी टीवी 3 बड़े शो देने को तैयार हो रहा है। खबर है कि अगले महीने तक उनके प्रोमो आपको मिल जाएंगे। ऐसे में फैंस काफ़ी खुश है, लेकिन फैंस का एक ही कहना है कि उनको टाइमिंग थोड़ा अच्छी देना। भैया एक भाग्य तो हिला दिया, अब दूसरा जो है भाग्य, देखते हैं जी टीवी हिलाता है नहीं, क्योंकि बेस्ट टाइमिंग तो भाग्यों ने ही ले रखी है। ऐसे में जो है खबर है कि आपके प्रतीक शर्मा एक नया शो लेकर आने वाले हैं। शो का नाम होगा घर जमाई। आपको सुना सुना नहीं लग रहा ये नाम? जी टीवी पे एक शो आया था जमाई राजा, जिसमें रवि दुबे और निया शर्मा नज़र आई थी। इस शो ने इतना धमाल मचाया था कि आज भी उनकी दोस्ती जब कोई देखता है तो यही याद करता है, यार ये दोनों कब नज़र आएंगे एक साथ। तो उसी के जैसा मिलता जुलता शो का नाम जमाई राजा, आपके जमाई मतलब घर जमाई जैसा शो आप देखने वाले हैं। शो का नाम होगा घर जमाई। अब बात करते हैं प्रतीक शर्मा के शो आप जी टीवी पर देख रहे हैं, रब से है दुआ, शिव शक्ति, राधा मोहन, उन्हीं के दिए हुए थे। ऐसे में राधा मोहन भी बंद हो गया और शिव शक्ति भी बंद हो गया। अब जो है रब से दुआ की खबर है कि वो जल्दी ही बंद होने वाला है। उसी के बीच में प्रतीक जी ने अपनी एक खबर दे दी है कि वो नया शो जी टीवी को देने वाले हैं और शो का नाम होने वाला है घर जमाई। अब आपको बता दें, इस शो में मेन लीड में कौन नज़र आने वाला है? सबीर आहूलिया, जिन्हें आप जो हैं राधा मोहन जैसे शो में देख चुके हैं। ऐसे में खबर है कि उन्हीं के साथ दोबारा प्रतीक जो शर्मा जी हैं वो अपना शो आपको देने वाले हैं। अब बात करते हैं उनके अपोजिट कौन नज़र आएगा, तो अभी चेहरा पता नहीं चला है और ना ही जो है कोई नाम सामने आया है। जैसे ही आएगा उसकी अलग क्लिप मिल जाएगी। अब बात करते हैं दूसरा बड़ा शो। भाई दूसरा बड़ा शो जो होने वाला है वो जो है 3 अक्टूबर को ही शुरू होने वाला है। ऐसे में 3 अक्टूबर को शाम 6:30 बजे जी टीवी पर हमारा परिवार शुरू होने जा रहा है। आप कहोगे हाँ मैडम, उसका प्रोमो तो आया है, तो वो शो कुछ अलग ही टाइप का होगा। जो लोगों ने वीडियो भेजी है जी टीवी को, जो जी टीवी के फैंस हैं जिन्होंने कमेंट किए हैं, उन्हीं को जो है जी टीवी अपना परिवार मानता है। वही परिवार को आपको दिखाने वाला है, पूरी दुनिया को भी और परिवार को भी, जो कि 6:30 पे, कि उन्होंने कैसे लोगों से सवाल पूछे, लोगों के जवाब कैसे आए, लोगों ने कैसे वीडियो बनाकर हमें जवाब दिया, लोगों के कमेंट क्या थे, वो आपको उसमें नज़र आएगा। और शायद ये लोगों को ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि आजकल सीरियल से ज़्यादा रियलिटी देखना लोगों को ज़्यादा पसंद है। तो ये शो 3 अक्टूबर शाम 6:30 बजे जी टीवी पे ऑन एयर हो रहा है। और थर्ड शो है आपका जी टीवी का मोस्ट पॉपुलर शो का नया सीज़न, वो है आपका टशन इश्क, जिसमें आपको जो है प्यारी सी जासमीन नज़र आई थी, जैन नज़र आए थे, इनकी जोड़ी ने धमाल मचाया था। इस शो ने काफ़ी ज़्यादा लोगों के अंदर एक उत्साह जागृत किया था।
इस शो को काफ़ी पसंद किया था। 2015 या 16 में ये शो आया था। अब इसका नया सीज़न जो इसके निर्माता हैं यानी कि जो सुभाष चंद्रा और नितिन कीनी इसके जो निर्माता हैं वो प्लानिंग कर रहे हैं किसका नया सीज़न जी टीवी को देना चाहिए। जी टीवी ने भी उनसे बात की है, जी टीवी को भी लगता है उसका नया सीज़न आना चाहिए। तो ऐसे में सुबह से ये न्यूज़ वायरल हो रही है कि इस शो का नया सीज़न आना चाहिए। जब निर्माता से बात हुई तो अभी तक उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया है, लेकिन ये न्यूज़ काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है कि टशना इश्क का नया सीज़न जी टीवी पे जल्दी आने वाला है। तो ऐसे में अब जी टीवी भी शायद सोनी की पॉलिसी अपना रहा है, जैसे सोनी अपने पॉपुलर शो के नए सीज़न दे रहा है, तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि जी टीवी भी अपने पॉपुलर शो के नए सीज़न देगा। उसमें सबसे पहले डिमांड है फैंस की, कबूल है कि कबूल है फैंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था, शायद उसका नया सीज़न भी आ जाए, क्योंकि जी टीवी और सोनी के रिश्ते काफ़ी अच्छे रहे हैं। भले ही अब थोड़ा सा डिफरेंस हो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिसी में तो दोनों की सोच एक ही होगी। तो ऐसे में आपकी क्या राय है और आप कितने एक्साइटेड हैं और कौन से शो को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा कमेंट कर सकते हैं। बाकी जानकारी के लिए डियर लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है।